अब हिंदुस्तान में दो विचारधाराओं की लड़ाई है। एक विचारधारा जो इसकी रक्षा करती है, समानता की बात करती है, एकता की बात करती है, और वो शिवाजी महाराज की विचारधारा है। और दूसरी विचारधारा जो कॉन्स्टिट्यूशन को, संविधान को खत्म करने में लगी हुई है। सुबह उठते हैं और प्लानिंग करते हैं कि भैया शिवाजी महाराज का जो के जो विचारधारा का कॉन्स्टिट्यूशन है उसे खत्म कैसे किया जाए। हिंदुस्तान की संस्थाओं पर आक्रमण करते हैं, लोगों को डराते हैं, धमकाते हैं, और फिर जाकर शिवाजी महाराज की मूर्ति के सामने मत्था टेकते हैं। इसका कोई मतलब ही नहीं है। अगर आप शिवाजी महाराज की बात करो, अगर आप उनकी मूर्ति के सामने जाकर हाथ जोड़ो, तो फिर आपको इसकी रक्षा करनी ही चाहिए। आप देखिए, विचारधारा बहुत पुरानी है, इनके समय भी यही लड़ाई चल रही थी। जब इनका राज अभिषेक होना था, उसी विचारधारा ने राज अभिषेक नहीं होने दिया। यह कोई नई बात नहीं, यह मत सोचिए कि भैया ये नई लड़ाई चल रही है, कॉन्स्टिट्यूशन की लड़ाई नहीं है। नहीं है, यह हजारों साल पुरानी लड़ाई है, और वही विचारधारा की लड़ाई है जिससे शिवाजी लड़े थे, शिवाजी महाराज लड़े थे, उसी के खिलाफ, उसी विचारधारा के साथ आज कांग्रेस पार्टी लड़ रही है।